तो हेलो जनता जनार्दन, कैसे हैं आप लोग। तो कल सिनेमाघरों में दो फिल्में रिलीज हुई हैं। एक है कंगना रनौत स्टारर तेजस और दूसरी है विक्रांत मैसी स्टारर ट्वेल्थ फेल। तो कल मैंने तेजस पे बात की थी, तो चलिए आज बात करते हैं ट्वेल्थ फेल पे। ट्वेल्थ फेल की कहानी आपको भावुक करती है। फिल्म के लास्ट में ताली पीटे बिना आप रह नहीं पाएंगे। ये फिल्म सिर्फ एजुकेशन या स्मॉल टाउन के बारे में नहीं है, ये फिल्म कभी हार न मानने के बारे में है। ट्वेल्थ फेल IPS मनोज कुमार शर्मा की रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो लिया गया है इसी नाम के नॉवेल ट्वेल्थ फेल से, जिसे लिखा है अनुराग पाठक ने। बात करें कहानी की तो चंबल में रहने वाले मनोज गांव में एक आम लड़के की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। पिता ईमानदार हैं, जिस वजह से नौकरी से निलंबित हैं, और परिवार गरीबी से जूझ रहा है। मनोज का सिर्फ एक ही सपना होता है कि जैसे तैसे ट्वेल्थ पास कर चपरासी की नौकरी पानी है। पर इस बीच उसका पाला PCS अधिकारी से पड़ता है, जिसकी ईमानदारी उसे इस तरह इम्पैक्ट कर जाती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। मनोज का सफर चंबल से दिल्ली ले जाता है, जहां वो UPSC की तैयारी करता है। क्या वो UPSC क्रैक कर अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर पाता है, इसी के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी घटती है। विक्रांत मैसी एक दमदार कैरेक्टर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर मनोज के कैरेक्टर में वो जिस तरह बस गए हैं, आप उनके फैन हो जाओगे। फिल्म के फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक विक्रांत मैसी ने कैरेक्टर को मजबूती से पकड़े रखा है, आप उनके पूरे सफर में खुद को साथ पाओगे। फिल्म के बाकी के एक्टर भी अच्छे दिखे हैं। गौरी भैया के किरदार में अंशुमन पुष्कर इमोशनल कर जाते हैं, वहीं मनोज शर्मा के पिता के रोल में हरीश खन्ना ने कमाल का काम किया है। प्रियांशु चटर्जी, अनंत जोशी और मेधा शंकर भी अपने अपने किरदार में छाप छोड़ते हैं। वहीं फिल्म में UPSC के मशहूर टीचर विकास दिव्य कीर्ति भी एक एक्सटेंडेड कैमियो में दिखते हैं। वो एक्टर तो नहीं है, बट उन्होंने ऑडियंस को फील नहीं होने दिया है कि उन्होंने कोई एक्टिंग किया है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी राइटिंग है। फिल्म की स्क्रीन प्ले इतनी कसी हुई है कि पल भर भी आपका ध्यान स्क्रीन से भटकता नहीं है। TVF की एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट, जो UPSC और उसके स्टूडेंट के स्ट्रगल पे बेस्ड थी। उस सीरीज की भी राइटिंग कुछ खास थी, लेकिन ट्वेल्थ फेल आपको इमोशनल लेवल पे जोड़े रखती है। परिंदा, 1942 और लव स्टोरी और शिकारा जैसी फिल्मों के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने एक बार फिर से डायरेक्टर के चेयर पे दिखते हैं और कमाल का काम किया है। उनका डायरेक्शन इस फिल्म को बांधे रखती है। वहीं फिल्म के डायलॉग जितने दमदार हैं, रंगराजन राम बंदरन ने बेहद खूबसूरती से अपने कैमरे में कैद किया है। म्यूजिक के मामले में ये फिल्म थोड़ी पीछे छूट जाती है। IPS मनोज शर्मा की रियल लाइफ पे बेस्ड ट्वेल्थ फेल आपको इमोशनल करती है, पर साथ ही चेहरे पर एक मुस्कान भी लाती है। शानदार कहानी और कमाल के एक्टिंग के लिए ये फिल्म जरूर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मैंने कल तेजस फिल्म का भी रिव्यू किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।